पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? क्या हुआ बहन? बहन भाई की सहायता चाहती है। हुक्म करो बहन। मेरे बच्चे को पालने का जिम्मा ले लो। लेकिन तुम आई कहां से हो बहन? कहां से आई हूँ? भाई से बहन कुछ नहीं छुपाई हूँ, लेकिन बच्चे को शिकायत है तो अपने से, गिला है तो अपने से। सुनो, मैं एक बहुत बड़े रईस की पत्नी हूँ। अब तबीयत कैसी है? ओह, बुखार तो बहुत है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो रमणी, दिल्ली से कब आए? अभी तो आ रहा हूँ, एरोगन से सीधे यहाँ चला रहा हूँ मुकदमा जीत कर। मुबारक हो। थैंक यू। भाभी की तबीयत कैसी? तेरी भाभी की तबीयत तो कुछ वैसे ही है, अभी डॉक्टर को फोन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं भाभी से मिलता हूँ। अच्छा, हेलो, मैं हूं बांकेलाल। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं इनका घर पे। क्या कहा आपने? चित्राणी जी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, हम लोग बड़े डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं, आप घबराइए नहीं, मैंने कहा सब कुछ ठीक कर लेगी। हाँ जी, हम लोग आते हैं, अभी आते हैं। किसका फोन है चाचा जी? शेर भगवान दास का। तपेदिक की आखिरी स्टेज आन पहुंची है, अब क्या बचेगी? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मैंने कहा भगवान ने हमारी सुन ली। क्या मतलब? मतलब ये कि शेर भगवान दास की धर्म पत्नी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही, बस उसके बाद तुम। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बच्ची हो। अरे हाँ, उन्होंने शेर जी ने कहा था कि आते हुए किसी बड़े से डॉक्टर को भी साथ ले आना। मैं अभी फोन करती हूँ। डॉक्टर, ये एक्सरे है। ये कैडियोग्राम। और ये दूसरी रिपोर्ट। बच्चे को यहां से उठा लीजिए, इसे यहां से ले जाइए। दोनों फेफड़ों पर असर हो चुका, बच्चे को माँ का दूध मत दीजिए और उसके रहने का अलग इंतजाम कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर। उनका डॉक्टर बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर दो। नहीं नहीं सेठ जी, डॉक्टर के घर में रहते भला नर्स की क्या जरूरत है, इसका सब देखभाल कर लिया करेगी। और मैं भी इसका हाथ बता दिया करूंगा। मैंने कहा देखो सुनो भाई, मुझे तो बेहतरी इसे दिखती है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं आके ठहर जाए। तुम अपनी डिस्पेंसरी के टाइम पे चले जाया करना और मैं इतनी देर के लिए बच्चे को संभाल लिया करूंगा। तो भाई हम चले, अब जरा टाइम कम है, सामान वगैरह लाना है यहाँ। अच्छा सेठ जी, हम लोग अभी आते हैं। चलो अभी। अच्छा डॉक्टर, मेरे बेबी को मेरे पास लाओ। बस इतनी दूर से, वरना इसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अब इसके सोने का वक्त है।
क्यों मानिका, आप कैसी हालत है तेरे मरीज की? हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, भगवान इसकी मदद करेगा। भगवान तो जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। मानिका, मैं चाहता हूँ कि ये घर सदा के लिए तेरा हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? यार तू नहीं समझती, लेकिन बांकेलाल बहुत दूर की सोचता है। भगवान दास की पत्नी ने कुछ दिनों की मेहमान, उसके बाद तू इस घर की रानी बन जाए और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर रहेगी ये नन्ही सी कली, तो इसे मसलने में थोड़ी देर नहीं लगे। ऐसा लगे तुम चल के आराम कर लो। चलो तुम्हारी और मुन्ना की सेवा कर रहे हैं। मैंने उन्हें खुद बातें करते हुए सुना है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, बीमारी ने तुम्हें पागल बना दिया। अगर वो घूमने फिरने की सेहत के लिए मैन कौखीलाल के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा उनका एहसान मंद होना चाहिए। वो बेचारे घर बार छोड़कर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। समझू जाओ, हो जाओ। फिर रहेगी ये नन्ही सी कली, तो इसे मसलने में थोड़ी देर नहीं लगे। मुखिया, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, ले लो इस बच्चे को। हाँ हाँ मुखिया, ले लो, ये भगवान की देन है। अच्छा बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाकर रखूंगा, अपने बच्चे की तरह पालूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाइयों। एक विनती और है। हुक्म करो। राज किसी से न कहना। हम गीता पर हाथ रखकर बता देते हैं, किसी से न कहेंगे। ये राज किसी से नहीं कहेंगे। भगवान हैं लक्ष्मी। हौसला रखो भगवान, पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, जरूर पता चल जाएगा। रुक्मणी बीमारी की हालत में घर छोड़कर चली गई, आखिर क्यों? ना जाने मेरे बच्चे का क्या होगा। देखो ना, न जाने इसे क्या हो गया, रात भर रोता रहा। लाल से मुझे दे दो, मैं शहर ले जाकर इसे किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। रेलू को मैं छाप ले जाता हूँ, तुम उसकी माँ से कह देना। बहुत अच्छा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय कांता। ए लो भाभी, मुखिया के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो इन्हें क्यों नहीं बुलाया? हमारे बैठ जी को बुद्धू समझते हैं। अजी सुना तुमने कांता क्या कह रही है?
घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। वाह, तुम तो उनके सज्जन में हो, तुमसे बैर कमाते हैं। अजीब, वो आज डॉक्टर के पास गए हैं, कल पर सारा गांव डॉक्टर कराएगा, हमारे तो पेट पे लपड़ जाएगी। लक्ष्मी, अरे सबको राम देने वाला है। तुम तो बैठे रहो राम भरोसे, लेकिन कह देती हूँ, मैं राम पहलवान की बेटी हूँ। वो मरम्मत करूंगी उस चौधरायन की, कि सात जन्म याद रखेगी राम पहलवान की बेटी को। आपको डॉक्टर की तलाश है ना? देखिए एक डॉक्टर यहाँ भी रहते हैं, मेरे बारे में बन जाए। चलो रेलू। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का बीमार है, उसने रात भर दूध भी नहीं पिया। अंदर गया, बच्चे को यहाँ लेटा दीजिए। मेरा बच्चा है। झूठ मत बोलो, वरना मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। ये बात है पुलिस? मैं क्या चाचा, मैं बाहर खड़ा। चाचा जी, मैं सेठ जी को फोन करती हूँ कि मुन्ना मिल गया। ठहरो ठहरो, देखो डॉक्टर का पहला फर्ज ये है कि मरीज की देखभाल करना, तुम इसके लिए दवाई तैयार करो, ये काम पहले करने का। जाओ शाबाश। मेरे भाई, एक बच्चे को उठाओ, उस कमरे में ले चलो। आराम ले चलो। चाचा जी, आप एक खुराक बच्चे को पिला दीजिए, फिर जी को फोन करती हूँ। अच्छा, अब क्या होगा? लो बच्चे के लिए दवाई। माधव, खेती को बुला, ये जल्दी बुला। घर जाओ, वहाँ पिलाना, इससे रात भर नींद नहीं आई। अजी मैं कहता हूँ, इस दवाई के बाद बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी, गहरी नींद सो जाएगा बच्चा। आप तुम जल्दी जाओ। जाओ शाबाश, जाओ संभाल के लेना बच्चे को। जाओ चाची जी, अब सेठ जी को बुलाने की जरूरत नहीं, तुमने बच्चे को दवाई में जहर दे दिया। जहर दे दिया, ये नहीं हो सकता, ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकती। घबराहट में आकर तुमने दवाई में जहर मिला दिया, और मैंने उस दवाई की एक खुराक उस बच्चे को भी पिला दी। उसके बाद जब मेरी नजर इस शीशी पे गई तो मेरे तो होश ही हो गए, मैंने उन लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया। अब तक तो बच्चा मर भी गया होगा। मर भी गया होगा, ये खून मैंने किया है, मुझे इसकी सजा मिलना चाहिए। मुझे इसकी सजा मिलना चाहिए। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा अपने जुर्म का इस्तेमाल करेंगे। सुनो तो, मैंने कहा सुनो तो भाई, एक नेक दिन मुन्ना जरूर मिल जाएगा। मुन्ना नहीं मिल सकता। मुन्ना नहीं मिल सकता, तुम कैसे जानती हो? मेनका, मैंने इसे खो दिया है, हमेशा हमेशा के। ना मालूम इसे क्या हो गया, हर वक्त खोई खोई सी रहती है। जिंदा की बातें करती है। मैं पापा हूँ, मैंने पाप किया है। बिटिया बिटिया, मुन्ना खो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सेठ जी, जब से मुन्ना खोया है इसी तरह की ऊट पटांग बकवास करती रहती है। सेठ जी, बिटिया मैं पापा हूँ, मैंने पाप किया है, आप पुलिस को बुलाइए, मुझे पुलिस को हवाले कर दीजिए। क्या कह रही हो? मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सेठ जी, बिटिया मैंने पाप किया है। सेठ जी, बिटिया मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ, देखती हूँ गांव में बैठ के होते हुए कौन डॉक्टर की दवाई देता है। गांव में पंचायत खड़ी है, उनका फैसला मंजूर करना होगा। अभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बच्चे को देखो, तो दवाई दो। नमस्ते सेठ जी, आओ बैठो। कहो क्या बात है? किस मुंह से कहूं, हमारी तो गर्दन झुक गई, घर से निकलना मुश्किल हो गया। आखिर भाग क्या है? सेठ जी, दुनिया वालों को मुंह बंद नहीं किया जा सकता। बेचारी मेनका की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी लड़की, उस पर इस तरह के इल्जाम, ऐसी तुमसे किसकी मजाल जो उस पर तोहमत लगा सके? तो वो नेक लड़की है। सेठ भगवान दास, दुनिया वाले उंगलियां उठाते हैं, आखिर मैं किस किस की जुबान बंद करूं? मेरी ये बात से यही प्रार्थना है कि उसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ जी, आपके घर में फिर से रौनक हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद।
मुझे विश्वास था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं जाके शादी की तैयारियां करता हूँ। बेचारे भगवान दास के घर में तो मातम छाया हुआ है। बच्चे की याद ने उसे बहुत परेशान कर रखा है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा वो। और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा जो कुछ भी हो गया उस पर अफसोस करने के बजाय मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए ये सोचना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा भगवान दास कई बार इशारों इशारों में मुझे कह चुका है, अगर तुम उसके घर को अपना घर बना लो। चाचा जी। बेटी तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में और है कौन? मैं तुम्हें सदा सुखी देखना चाहता हूँ, और फिर ऐसा करने से भगवान दास का उजड़ा हुआ घर बस जाएगा और तुम्हारे दिल पर जो गुनाह का बोझ पड़ा हुआ वो भी हल्का हो जाएगा। भाई मैंने तो हाँ कह दिया, और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम मेरा कहना जरूर मान जाओगे। बस मैं फौरन शादी की तैयारियां करता हूँ। शाबाश। जी, तुम भी राधा को साथ लेकर जाओ, जरा घूम कर आएगी। ला 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 ला। बेटे, ला मुझे दे दो। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, बैठ जा, चल बेटे, चल, बैठ जा, खड़ी हो जा, जा, तेरी बतिया लगे है बड़ी प्यारी
इसका ही प्यार कहे दुनिया ये सारी तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया गोरी सुलाख छुपा तुझे बेकरार देख लिया अभी जो तुम मेरे साथ खिलौने बेचते लेकिन मुझे तो मंदिर जाना है अरे मंदिर कोई भागा थोड़े ही जाता है अगर खिलौने नहीं बेचे तो सब ग्राहक भाग जाएंगे अच्छा जयराम जी के पंडित जी अरे रेलू तू कहां से आ सकता सुबह सुबह जाजा अपना काम कर है? अभी बुढ़ी तक नहीं हुई ये धंधे का वक्त है किसी दिन घर पर आ जाना अजीब बात है पंडित जी हम घर पर आने वालों में से नहीं है समझे अगर भूमि नहीं हुई है तो हम कह देते हैं ये लो चवन्नी क्या याद करोगे किसी रईस से पाला पड़ा है चलो फटाफट अपना हाथ देख डालो वाह वाह अरे कुछ बोलोगे भी या वाह वाह करते रहोगे वाह वाह पंडित जी चवन्नी में से वाह वाह बताओगे या हाथ के रसीले बताओगे अरे रेलू क्या बलवान है तेरी हाथ की लकीरें इसमें कोई शक नहीं क्या टेढ़ी है क्या सीधी है और आज आज क्या होगा पंडित जी चाहे वो हो जाएगा अरे वाह पंडित जी पंडित जी अब मैं चलता हूँ क्या समझे ऐसा है कि अगर रात हो गई तो आज का दिन भी चल जाए समझे नहीं समझे रेलू ओ रेलू चवन्नी भी दे गया तो खोटी आओ आओ मट्टी के खिलो बच्चे ले लो जवान ले लो चाहो तो भगवान ले लो इसका क्या दाम है भगवान और उस भगवान का जी ओ जी वाह 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 क्या सादा हो रहा है दो आने चार आने अरे दादा तू वैद्य की बेटी है आज का अंजन बेस आज का मंजन बेस ये खिलौने क्या बेच रही है बच्ची के तेरे लिए संख्या रखा लेगा अरे दे दे तेरे हाथ से इससे ज्यादा और क्या चाहिए अबे और रेलू के बच्चे मुझ से बात कर खबरदार से दादा से ऐसी बच्ची बात की अरे वाह 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 हमारा लौंडा हमी को आंखें दिखाता है हमारी मिलनी हमी से ना जाते हैं हम अरे अरे तू तो बात बात हाथ उठाते हो हाथ दादा देख देख तू भी कुछ नहीं बोलती इसने तेरे सामने उस पर हाथ उठाया है अच्छा हुआ हाथ उठाया जीता नहीं उठाया जीता तू भी ऐसी बात करती तेरी माँ से जा कहीं करता हूँ मैं तेरी मासी वासी नहीं हूँ मैं बाबू परिवार की इकलौती बेटी हूँ मेरा कोई भाई नहीं है मासी ने तो चाची सही फूफी सही दादी सही नानी सुनो तो ओहो मौसी मेरा मतलब है चाची देखो तो राधा भरे बाजार में शाम के साथ खिलौने बेच रही है ची ची अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया खबरदार मेरे लड़के को बदनाम किया तो वो बेचारी तो पूजा के लिए मंदिर गई है झूठ नहीं कहता चाची मैंने अपनी आंखों से देखा है शाम के छकरे पर खड़ी रहकर हाथ में खिलौना लेकर चिल्ला रही थी के आना आटा आना पौने बारह आना चलकर देख लो और अगर झूठ निकला तो झूठ निकला तो तुम्हारा जो चाची तुम्हारे पाँव में तो जूता नहीं है खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरा जूता और मेरा ही सर चलिए ठीक है चल आगे लो ये लो चलाने पैसे दो ये बात तेरी मार ही हाँ लो 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 कहाँ है राधा वो जले कहाँ है बता यही तो मैं देखता हूँ राधा कहाँ है मैं सब जानती हूँ मैंने देखा तो यहाँ खड़े लेके चार आ रहा हूँ क्या चंपा मंदिर से आ रही है थोड़ी सी फूल और प्रसाद दे दी तेरे को शर्म नहीं आती किसी की बच्चियों को बदनाम करते हुए मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ निकाल अपना जूता तेरा सर गंदा कर दूँ मैं भी गंगू तेरे का लड़का हूँ जूते खा कर ही रहूंगा अच्छा ये लो चाची जूते और ये रहा सर अरे तुम्हारे तो हाथ में जूता प्रसाद खा लूंगा देख कल मुँह में आंखें हैं तेरे को बेचारी मंदिर से आ रही है और बदनाम करता है राधा सच बता मैंने बहुत जूते खाए सच बता तू यहाँ खिला एक तवे की रोटी एक छोटी एक मोटी बेटी
ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान ने तेरी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी। चलो अच्छा ही है, तेरे साथ साथ तेरे चाचा का भी कल्याण होता चला जा रहा है। ए, ले बेटिया जरा इस चेक पे दस्तखत कर दे, सिर्फ 10,000 का है, ये ले। आप कितने रुपए ले चुके हैं, कुछ हिसाब भी है? हिसाब हिसाब तो पाई पाई का रखना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है। मैं जब ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ, अब क्या बताऊं, बिटिया का धन है, सूद के साथ लौटाना पड़ेगा इसे। थैंक यू वेरी मच। चाचा जी आप मुझे बड़ा सुखी समझते होंगे। समझता हूँ, लोग सारा शहर जानता। सारा शहर तो अंधा है, दुनिया सूरत देखती है लेकिन दिल की धड़कन कोई नहीं समझता। आज 24 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन दिन ब दिन हम एक दूसरे से दूर ही होते चले जा रहे हैं। उनकी बीती हुई जिंदगी है, उनका खोया हुआ लड़का, और आज की जिंदगी रूपा। रूपा रमणीक लाल की बेटी। मैंने कहा ये रूपा बड़ी जहरीली है, नागिन है नागिन। बस वो देखो रूपा, फिर आ गया। अरे मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया, कहाँ थी तू? तेरी सारी सहेलियाँ तो पानी भरकर चली गई है, तू जरा देरी से आई है। तुम कहीं गिर जाओगी, तुम्हें चोट आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। देख तेरे नौकर तेरे आसपास खड़े, ला तुम्हें पानी भर। अच्छा तुमने मुस्कुरा कर कहा है, दांत दिखा कर मुझ पर मेहरबान हो कर। हे भगवान, देख मैं अभी पानी भरकर आता हूँ। राधा तू चले नहीं जाना, मैं अभी पानी भर के आता हूँ। राधा तेरा मटका तो सलामत है, मेरा सर टूट जाए तू जाने दे, तेरा मटका टूटने नहीं दूंगा। मैं अभी पानी भर के आता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया तू जाना नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ तेरा मटका सलामत है ना, मेरे कपड़े थोड़े भी चलेगा अगर तू कहे इस मटके को तेरे घर तक पहुँचा दी। पर वो लकड़ियों का गट्ठा भी तो लेके जाना है। हाँ कैसी बात करती हो, ये लकड़ियों का गट्ठा मैं उठा लेता हूँ, गट्ठा सर पर कमर पर मटका, तुम आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे, चलो। राधा कभी कभी ये पंडित का बच्चा जो कुछ कहता है बिल्कुल सच कहता है। क्या कहा था पंडित ने? उसने कहा था कि आज तू जो कुछ चाहेगा तुझे मिल जाएगा। क्या मिल गया तुम्हें? क्या नहीं मिला है मुझे, ये तेरा लकड़ियों का गठड़ा सर पर, ये तेरा मटका बगल में, तू मेरे आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे, और क्या चाहिए वेलू को। अगर तेरी खुशी इतनी है तो कल सुबह मटका और लकड़ियों का गठड़ा रोज मेरे घर पहुँचा दिया कर। रोज अगर तुम कहो तो मैं दिन में 10 बार तुम्हारे घर पहुँचाऊँ। राधा राधा बिटिया
क्या है कल्लू चाचा? ये कलमुआ कल्लू कहाँ से बीच में आ गया? क्या बात है कल्लू चाचा? ले बेटिया अपने कपड़े घर लेती जा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं चाचा, मैं ले जाऊँ। अच्छा अगर तू कहे तो मैं ये गच्ची भी तुम्हारे सर पर रख दूँ। हाँ रख दे। अरे ये तो गच्ची है, अगर तेरा जी चाहता है तो तू खुद ऊपर बैठ जा, तुझे भी उठा लूंगा। रेलू हनुमान है हनुमान, ये तो पहाड़ भी उठा सकता है। अरे हाँ याद दिला, माँ ने कहा था एक पत्थर लाने के लिए। पता 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 पत्थर पर पत्थर किस लिए? कभी कभी चोर चक्के आ जाते हैं घर में। तुझे जल्दी लिया, मैं अभी लाई मैं अभी लाई, लकड़ियों का बहुत कुछ कम था जो पत्थर लेने गई हूँ। लाओ कहाँ रखो? रख दी जेब में। जेब में कैसे रखूं? ये भी ठीक है तो ला फिर हाथ में। अभी चल हाँ चलता, मगर मेरा आहिस्ता राधा बोझा बहुत है राधा आहिस्ता। अरे आहिस्ता ले लो। अरे आहिस्ता चलो राधा, देखो बोझा बहुत है क्या मैं जाया। अरे आहिस्ता बना। अरे तेरे हाथ में चोट आ जाएगी। आसमान कितनी मेहनत की, कपड़े भी गए, मटका उठाया, पत्थर उठाया और ये तो नाराज होकर चली गई। पंडित जी ने ये तो नहीं कहा था कि आज पार भी पड़ेगी। मैं पंडित के बच्चे को देख लेता हूँ। ऐसे ही खड़ी रहना, मैं जरा तेरी आंखें बनाऊंगा। अरे तेरी आंखें नहीं, तेरी जैसी आंखें। तेरी आंखों में जो जादू है वो तो इसमें भर नहीं सकता, थोड़ी सी रंगत चुरा लूंगा। क्या कहते हैं? ऐसे खड़ी रहना। राधा राधा, अरे राधा, अरे लपुंडी तेरा क्या वास्ता है राधा से? और तुम्हारा क्या वास्ता है चाची राधा से? मैं माँ हूँ उसकी। मैं पुजारी हूँ उसका। क्या भक्त है? ठीक कहता हूँ चाची, ये देखो ये है मेरी राधा। और ये देखो मंदिर अभी आधा बना है चाची, पूरा बन जाएगा। राधा को इसमें बैठा कर पूजा किया करूंगा। चल चल बड़ा आया पुजारी। मना क्यों नहीं करती अपने पति? रूपा के लिए सूपा के लिए जेवर आ रहे हैं, रूपा के लिए फल आ रहे हैं, रूपा के लिए फूल आ रहे हैं, रूपा रूपा रूपा। मैंने कहा मैं तुमसे कह देता हूँ अपने आप को बचा लो, अभी वक्त है। अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो डूबने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। लो देख लो इसे।
देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के। थोड़ा सा ही पास हमको बुलाओ ना, करो तो ख्याल ऐसे ठुकराओ ना, थोड़ा सा ही पास हमको बुलाओ ना, करो तो ख्याल ऐसे ठुकराओ ना, नजरों के मारे हैं हम तो बेचारे हैं, कब से पड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो तो थोड़ी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के। कितने हैं नाज कितनी अदाएं हैं, दिल तो है एक लाखों ही पलाएं हैं, कितने हैं नाज कितनी अदाएं हैं, दिल तो है एक लाखों ही ओलाए हैं, मारा थी वो तब से तेरे संग जब से, न लड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के। तेरे लिए लाख गालियां दिखाई हैं, सर पे हजार आफतें उठाई हैं, तेरे लिए लाख गालियां दिखाई हैं, सर पे हजार आफतें उठाई हैं, सबने सताया है तूने भी बुलाया है, फिर भी अड़े हैं रस्ते में, हाय दे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के। अरे कभी हमारी भी सुन ले, अरे कभी हमारा जिया भी तो ठंडा कर दे। अभी ठंडा कर क्यों? खेल हजार कर दे कर दे, तेरे बड़े उतार लेंगे। कहा था जिया ठंडा करने को, तूने भेजा ठंडा करके। अरे बाप रे बाप, राह में तेरी नाज छाए, तेरी ही मंजिल तुझको बुलाए, चांद मेरे आ जा तो समझ रहा था तुम ना आ सको, लेकिन इस पूर्णमासी का चांद मेरा हौसला बढ़ा रहा था, तो कह रहा था तुम जरूर आओगी। ये चांद सितारों की भाषा मेरी समझ में नहीं आती, इतना जानती शाम ने पुकारा और याद आ गई।
लेकिन शाम ये रात की चोरी चोरी छुप छुप की मुलाकातें आखिर कब तक? ये बहुत अच्छी है राधे, बहुत अच्छी। दोनों से सिर्फ निगाहें मिल सकती हैं, वरना कभी रेलवे सर पर आटा पकता है, कभी रावण पहलवान की बेटी। लेकिन सारे गांव की नजरों से बचकर इस तरह मिलना। अब छोड़ो इन बातों को, कोई रब के नजारों को देखो। देखो नील गगन पर चांद किस तरह नाच रहा है। मुबारक हो बेटी, चुप चुप। जी सर, तुम्हारे घर पर पार्टी अपनी यहां लेती हूँ, मैं हमारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो जब तबीयत खराब होने लगी तो प्यारे मरीज क्या करेंगे? मजाक कर ले, अगर आप किसी को जाना किसी की शादी इसी घर में, ये घर है, ये होटल। मान का तुम रूपा का बाप है, अच्छा खासा कमा लेता है, क्या बेटी का जन्मदिन वो खुद नहीं मना सकता? मैंने कहा, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब से मुन्ना खो गया है उसकी उम्र का हर बच्चा मुझे अपना बेटा नजर आता है, और फिर आज उसका जन्मदिन भी तो है। मैं उसी का जन्मदिन समझकर रूपा का जन्मदिन मनाता हूं। मैंने कहा, मेरी खुशी के लिए ना सही, दुनियादारी के लिए थोड़ी सी देर के लिए पार्टी में चल चलो प्लीज। आप चलिए, मैं आती हूँ। शुक्रिया। अंकल आप कहाँ चले गए थे? यही था अंकल, एक विनती है। आज तुम जो कहोगी हम सब मानेंगे। पूर्णमासी का दिन है, अगर ये पार्टी किसी खुशनुमा पहाड़ी पर या किसी नदी किनारे हो तो क्यों नहीं। मैम का रूपा की ख्वाहिश है कि ये पार्टी कहीं बाहर हो। रूपा बड़ी खुश नसीब है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आप लोग जाइए। आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये पार्टी अगर कहीं बाहर हो? अजी वाह वाह, ए नेकी और पहुंच पहुंच, मेरा मतलब है पूछ पूछ। चलो 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 भाई।
धरती की रानी हंसी जवानी दिन है तुम्हारे चांद का देखा दे बंद कर दिया हमारी मर्जी हम सब लोग तो तुम्हारा गाना सुनकर रुक गए थे बहुत अच्छा गाते हो ये लो ये क्या है अरे 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 देहाती है बेचारा अरे भाई ये नोट है 10 रुपए का शेख भगवान दास तुम्हें गाना गाने के लिए दे रहे हैं ले लो मैं गाना नहीं बेचता खिलौने बेचता हूँ बड़ा घमंड है घमंड तो आपको भी कुछ कम नहीं अरे इनके पास तो दौलत है मकान है तेरे पास क्या है मेरे पास इंसानियत आप लोगों को अपनी दौलत पर घमंड है और मुझे अपनी इंसानियत पर आपको दुनिया के दूर पर घमंड है और मुझे भगवान की देन पर और आज मेरा जन्मदिन है और इस खुशी में हम सब यहाँ आए हैं मैं आपसे विनती करती हूँ आप गाना सुनाइए आप आए सीधे रास्ते पर क्यों राधा तुझे इसकी बिनती मंजूर है तुझे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है अच्छी बात तो फिर सुनिए तुम दोनों का गाना बहुत पसंद आया देखिए पैसे देकर आप हमारी बेइज्जती ना कीजिए नहीं बेटा नहीं ये लो ये क्या है इस पे हमारा पता लिखा है कभी शहर आओ तो हमसे जरूर मिलना मैं भला शहर क्यों आऊंगा हाँ अगर आप हमारे खिलौने खरीदेंगे तो जरूर आऊंगा
तो हम जरूर तुम्हारे खिलौने खरीदेंगे। कितने खरीदेंगे? जितने तुम ला सकते। मैं तो छकड़ा भर के ला सकता हूँ। छकड़ा, लारी, रेलगाड़ी सब खरीद लेंगे। राधा, इसका घर है या दुकान? राधा, अरे ओ राधा, इन्हें नहीं आ गया, अब क्या होगा? देखिए हम लोग छिपे जाते हैं, आप इसे बताइए नहीं। राधा आओ यहीं छिप जाओ। राधा राधा, वो एक लड़का लड़कियां गा रही थी ना, कहाँ गए? अरे सब खामोश है, गा रही थी ना, चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, चांद को देखो जी। हाँ? वो तो मैं गा रही थी। आप गा रही थी? तो आपके साथ कौन गा रहा था? साथ ये गा रहे थे। आपको मैंने कहीं देखा है। अच्छा। क्यों बांके लाल जी, यहाँ तो आपको हर कोई पहचानता है। अजी ये तो गांव है, बांके लाल जी अगर जंगल में चले जाए तो सांप और बिच्छू भी इन्हें बच जाए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो तू यहाँ है? रह बाजू, अभी जाके तेरी माँ से कहता हूँ, देखता हूँ कि तू किस तरह मेरी आंख में धूल झोंकती है। और तू अबे जा जा, तुझे कल देख लूंगा। अब क्या होगा शाम? अरे तू डरती क्यों है? ये सीधे रास्ते जाएगा, मैं तुझे पगडंडी के रास्ते लिए चलता हूँ। अरे अरे कहाँ चलेगी? रेलू, भगवान ने तेरी सुन ली, अब तेरे जूते खाने के दिन गए और शाम के आ गए। चल जल्दी। अरे कौन है? अजय उठो, शायद बाहर कोई रोगी आया है। रोगी होगी नहीं चाची, मैं रेडू रेडू रेडू। हाँ। अरे इतनी रात को क्या सामान पड़ा है तेरा? अरे पहले दरवाजा तो खोलो। अरे खोलती हूँ। क्या है? चल जल्दी बोल। चाची उस दिन मेरा सर और मेरा जूता, जानती हो राधा कहाँ है? अगर अब के बाद झूठ निकले तो पूरे 10 जूते गिनकर मार देना, राधा घर में नहीं है। अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? राधा तो बेचारी सो रही है। अंदर सो रही है? अजीब बात है। अरे चाची तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तुम्हारी होनहार लड़की सो नहीं रही, वहाँ गाना गा रही है, चांद को देखो जी, चांद को देखो जी। और वो चांद को नहीं पर शाम को देख रही है। अच्छा इधर इधर पा। हाँ हाँ, चांद को देखो जी, ये चांद नहीं तो और कौन है जी? ये यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई? चाची ये लो जूता और ये मेरा सर, अगर आए समान है। हाँ बिल्कुल आए समान है। हाँ, हाँ, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ और बापू बोलो, शहर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बेटा मेरे लिए एक अच्छी सी छड़ी लाना बेच की। अच्छी बात। बेटा मेरे लिए त्रिफला के साथ साथ मत भूलना नारायण मूर्ति। और तीन तेरे जलकन। अरे वो सबका नहीं बन जाएगा। और चाची तुम्हारे लिए? मेरे लिए बिंदोरी चूड़ियां लाना, लाल लाल मोटे रंग की। लाल लाल मोटे रंग की या मोटी मोटी लाल रंग की? मोटी मोटी लाल रंग की। ये बात चाची। अच्छा बाबू चलता हूँ। अच्छा ये आराम लीजिए। चल बेटा। Thank you.
भूषण, एक ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ, शहर खिलौने बेचने के लिए। राय साहब ने कहा था ना सब खिलौने खरीद लेंगे। और वो मोटी मोटी आंखों वाली मुझे तो कुछ कहा था कि तुम्हारी तरफ खुद का दिल हुई थी। शाम पर शक रही हो तुम? शहर मत जाओ शाम, तुम्हें खिलौने बेचने हैं, सारे खिलौने मैं खरीद लूंगी। राधा राधा राधा, मैं तो अपने जीवन का सपना देख रहा हूँ। तू तो जानती है गांव में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, शहर जाऊंगा, खिलौने बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर एक छोटा सा घर बनाऊंगा और उसे घर में अपनी राधा को दुल्हन बना के ले जाऊंगा। अब तू आंसू मत रहा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि सूरज डूबने से पहले ही तुझे आके मैं दूंगा। आज पार्टी, कल पिकनिक, एक आ रहा है एक जा रहा है, ये घर है ये सराय। जब से मुन्ना खो गया है सच्ची खुशी पर जीवन से जाती रही। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, आज 24 साल हो गए मुन्ने को खोए हुए और उसी के नाम कीरत लगाए जा रहे हैं। मैंने कहा मुन्ना मेरा बेटा, मैं उसे नहीं भूल सकता। ओह तुम आ गए सेठ जी, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। कौन सी? यही कि मेहमान घर में आया और मियां बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया ताकि मेहमान जल्दी से भाग जाए। लेकिन सेठ जी मैं तो खिलौने बेचने आया हूँ, खिलौने बेच कर जाऊंगा और खाना भी पेट भर के खाऊंगा। खाओ बेटा खाओ, तुम्हारे घर है और आप बड़ी मेहमान नवाज है, कोई आया तो सर पे उठा लेती हूँ, सर पे उठा लेती हूँ, थकती नहीं। मतलब था कि मेहमान की बड़ी खातिर करती हूँ। ओह खातिर करती हैं तो फिर हो जा, खातिर क्या बात है। बात यह है कि दरअसल आज इनकी तबीयत कुछ खराब है। महादो महादो सिर्फ एक बात है, आपका घर बहुत अच्छा है, पसंद आया। महादो इन्हें अपना घर दिखाओ और इनके रहने का इंतजाम करो। आइए बहन। चलिए सर चलिए। अच्छा ये तो रहे सेठ जी, और ये कौन है? ये उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी? लेकिन वो तो ऊपर थी। ये उनकी पहली पत्नी है। ओह बड़े आदमी हैं, दो दो शादी की होंगी। और ये मुन्ना कौन है? ये उनका बेटा है। उनका बेटा? लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये तस्वीर 24 वर्ष पहले की है बेटा, ये तस्वीर मेरी बदनसीबी की कहानी है जी। इसकी माँ बच्चे को लेकर कहीं चले गई थी। तो क्या वो लोग खो गए? हाँ बेटा, अगर वो आज यहाँ होता तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का होता। अब तो बेटे तुम घर इंतजार करना होगा। आ,
के लाल जी और शहर की राम। नमस्ते। नमस्ते भाई। आप राज की पत्नी के चाचा हैं। चाचा और बेटी के घर में खा रहे हैं? हमारे गांव में तो जहां लड़की ब्याही जाती है वहां का पानी तक नहीं पीते। अजी ये तो आम आदमियों की बात है और आप तो खास आदमी हैं। खास आदमी तो साहब लड़कियों शादी से पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अजी बंगले बन जाते हैं, कारें आ जाती हैं, क्लबों में जुआ खेला जाता है, रोअर रेस के घोड़े खरीदे जाते हैं। जलो, खूब जलो, खूब अच्छी तरह से जलो। जलने वाले जलते रहेंगे और ऐश करने वाले ऐश करते रहेंगे। हाथी झूमता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। भगवान के लिए अपने भद्दे समाज और खोखली सभ्यता का ये नमूना एक अजनबी के सामने पेश न कीजिए। वो गांव का रहने वाला है, सच्चाई उसका जीवन है और तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी तहतारी। हमारी खुशी, हमारी हंसी, हमारे आंसू सब बनावटी। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये तहतारी और धोखा फरेब छोड़ दो। आप नाहत क्यों परेशान हो रहे हैं? ये नाटक तो मैं पहले भी कई दफा देख चुका हूँ। समझ लिया आप लोगों ने ये आपके जीवन को क्या समझता है? सिर्फ एक नाटक। हाँ हाँ, बहुत दिन हुए एक नाटक कंपनी आई थी, उस नाटक में बहुत अच्छा गाना था। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको सुनाऊं। सुनाइए, जरूर जरूर सुनाइए। हाँ सुनाइए। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। झूठे की जीत यहाँ सच्चे की हार है। झूठे की जीत यहाँ सच्चे की हार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों, बड़े बड़े बाजार सजा कर, गली गली में ढोल बजा कर, सोना दिखला पीतल देते, किन के पैसे पूरे लेते। दिल का सौदा, जान का सौदा, होता है ईमान का सौदा। खून पसीना बिक जाता है, मौत और जीना बिक जाता है। पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो कैसा ये व्यवहार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों, आंसू ले लो, आहें ले लो, हसरत ले लो, चाहे ले लो। तांबे का एक टुकड़ा फेंको, टूटे दिल की दुआएं ले लो। लूट चुके हो दुनिया सारी, इस पर भी तकरार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों,
की दुनिया को छोड़ो, असलियत से मुँह ना मोड़ो। कब तक झूठी शान रहेगी, दो दिन तो ये जान रहेगी। साथ समय का बोल रहा है, राज के तारे खोल रहा है। ताज की हंडियां जल के बहेगी, खोटा ये व्यापार है। ओ दुनिया वालों कैसा तुम्हारा ये संसार है, ओ दुनिया वालों कैसा तुम्हारा ये संसार है, ओ दुनिया वालों। अब तू आसमान कहा, मैं तुझे वचन देता हूं कि सूरज डूबने से पहले ही तुझे आके मैं दूंगा। अरे राधा की माँ, क्या है भाई? छुपुआ आप बैठ गई छाले पड़े, तो मैं क्या करूं? मदद कर दे। वैसे मैं निकम्मी बैठी हूँ। कौन कहता है कि तू निकम्मी बैठी है? मेरे ही दम पर कोई गृहस्थी चलती है, और तू तो रामू पहलवान की बेटी है ना? वो तो अच्छा, इसीलिए कहता हूँ कि जो काम मैं सारे दिन में नहीं कर पाता, तू दो मिनट में कर लेती है। कसम है सिद्ध मकर ध्वज की, तेरे इन हाथों में तो जादू है, जादू। अच्छा अच्छा, उठो अभी कर दे। अजीब बात है, ये क्या कर रही हो राधे? क्यों नाजुक खातों को तकलीफ देती हो? लाओ मैं बिलो दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद है। अजीब बात है, अरे मजाक कौन कर रहा है, मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम नहीं जानती मेरे दिल की हरकतों को, मेरे दिल की हरकत है। अरे कौन है राधा? मैं हूँ चाची, तुम्हारा रेणू। रेणू? अरे आओ आओ रेणू, अंदर आओ। देखा, चाची ने बुलाया है। अरे आ रेणू, बड़े अच्छे मौके पर आया है। पैसे ने बड़ी अच्छी दवाई बनाई। अजीब बात है, ये तो कोई बीमारी नहीं। अरे बीमार होते हैं दोस्तों, हाँ जरा दो हाथ में लगा। हाँ बेटा, तू भी धर्म कमाने नारायणी पूछती है। लाओ राधा की माँ। दरअसल बात यह है कि मैं भी तरसता रहता हूँ कि कभी तुम मुझे कुछ काम करो। अरे ये क्या, यूं अच्छी तरह से इस कपड़े से छानना है। पर उसकी बात ये है कि मैं से कुछ और ही कह रहा था। तो मुझे हमेशा के लिए अपना नौकर बना, जितनी दवाइयाँ कहोगी उतनी उपयोग। लेकिन गाँव में बीमारी कितने पड़ते, नौकर रखे तो तनख्वाह कहाँ से दे? सही बात, दादा की बात, उसके तनख्वाह मानता कौन है? क्या मतलब? मैं नहीं समझ। वैसे मतलब तो इशारे में कई मतलब समझा चुका हूँ। दीजिए, साफ साफ कह देता हूँ, राधा की माँ राधा ब्याहने के लायक हो गई है। भगवान की दया से मैं भी कुंवारा हूँ। अरे मेरी नारायणी बूटी, आज तो मुझे दस जूते मारे बगैर नहीं जाने दूंगी। निकाल अपना जूता। अजीब बात है राधा की माँ, मैंने तो जूता ही पहनना छोड़ दिया है। खबरदार, अगर इस मोहल्ले में आया तो तेरे ताने तोड़ के रख दूंगी। राधा की माँ, मेरी नारायणी बूटी। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये क्या लाए हो शाम से? ये क्या लाए हो शाम? शहर से आया है। अच्छा, वैद्य जी के लिए दवाइयाँ लाया है, और ये थोड़ी सी मिठाई। अच्छा अच्छा, मैं भी तुम्हारी दवाई। बैठो बैठो, कुछ पानी दे लेती हो? बालू चाहिए? बहुत अच्छी है बालू चाहिए, तो बड़ी बढ़िया लाई है शाम ने। अच्छा, ये लो माँ,
ये क्या? मिठाई रखने के लिए। अच्छा चलो। नमस्ते चाची। जीती रहो बेटा। अच्छा राधा सुना, मैं अब जाऊंगी। और सुनो तो, मेरी चूड़ियां तो लाना भूल गया होगा शाम। नहीं शाम नहीं लाना भूला, मैं ही भूल गई। अच्छा तो फिर ले आऊंगी। अच्छा दे तू जा, जाकर दूध बिलो। माँ दूध बिलो बिलो पर तो मेरे हाथ थक गए, माखन तो निकल जाऊंगी। मैं अभी जाकर ग्वालियर के बच्चे को पूछती हूँ क्या दूध कैसा दिया। अरे राधा तू ठहर, मैं जाती हूँ। तू अपने पिताजी का हाथ बचा। अरे सुनो राधा का ध्यान रखना, कहीं जाने ना पाए। नहीं जाएगी, आओ बेटा। क्या मिठाई खाऊं बेटा, चार दिन की कमाई ये मिट्टी में मिल गई। डॉक्टर क्या दवाई इतनी कीमती थी? अरे बेटा नारायणी बूटी थी, यहाँ मिलती ही कहाँ है। मिलते क्यों नहीं पापा, बहुत उठती है नदी के पास। नदी के पास? हाँ पापा, काले पत्थरों के बाई तरफ नदी है। लेकिन सुनते हो पापा, तुम फिक्र मत करो, फीस भी नहीं दूंगी। लेकिन मेरी बात तो सुन। ध्यान भी नहीं दूंगी बस। सच? हाँ पापा। अच्छा तो जा जल्दी आना, अगर तेरी माँ को पता लग गया तो फिर। हाँ पापू मैं गई और आई। अच्छा बेटा, तू तो पूरी दुकान उठा लाया मिठाई की। ये छड़ी बहुत उमदा है, और ये देखो बाप, इतने रुपए बड़े अमीर नहीं है राय साहब। बाबू राधा की माँ की चूड़ियां तो यहीं रह गई, मैं अभी देकर आता हूँ। ये चूड़ियां नहीं, दादा की आवाज थी। मैं जानता हूँ श्याम की माँ, मैं भी तो तुझे सीटियां बजा बजा कर बुलाया करता था, और तू मक्की की रोटी और सरसों को साथ छुड़ा कर आ जाया करती थी। अरे वो देखो लक्ष्मी जा रही है। अरे रोको उसे, वरना राधा की खैर नहीं। अरे वो राधा की माँ घर के सामने से चली जा रही हो, यूं तो नहीं जरा भीतर चली आ। ग्वालियर की बच्ची के वहां जा रही हूँ। अरे जरा मुंह तो मीठा करती जा। अरे सुनते हो, राधा की माँ के लिए जरा मिठाई तो लाना। अभी लाया। मजबूर करती हो तो खाना ही पड़ेगा। हाँ खाना ही पड़ेगा, आओ बैठो। लो राधा की माँ मुंह मीठा कर लो। हैरान बालूशाही लड्डू जलेबी तो मेरा मन भाता खाना है, तू खाओ ना, शहर की शाम बहुत लाया है। हाँ मैं जानता हूँ तुम इससे खफा हो। मैं क्यों खफा होने लगी? खफा होगी वो मोटी मोटी आंखों वाली जिसे तुम छोड़कर आए हो। ये तुम कह रही हो राधा, मैं तो समझता था कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या मालूम मैंने ये दो दिन कैसे काटे। मैं मजबूर था राधा, शेर जी ने रोक लिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत दी और शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया। ये क्या है? ये अंगूठी किसने दी? ये रूपा ने दी थी। रूपा? हाँ हाँ वही बड़ी बड़ी आंखों वाली। तुमने की ली? अरे ली क्या, उसे पहना दी जबरदस्ती। और तुमने पहन ली? ओहो तो बिगड़ती की हो, लो दो पैसे फेंक देता हूँ बस। बस बहन बस, अब कहाँ खाया जाता है, दो निवाले मुंह में डालूं तो पेट भर जाता है। शाम नहीं दिखाई देता? शाम कहीं घूमने गया होगा। घूमने? राधा, अरे ओ राधा, अरे राधा कहाँ गई? नदी किनारे गई है नारायणी बूटी लेने। नदी किनारे? हाँ राम, अरे मुखिया का बेटा भी गया है पीछे से। अरे मुखिया को क्या काम नारायणी बूटी से। अजीब भोले शंकर, तुम जिंदगी भर कुछ समझोगे या नहीं? मैं अभी लेकर आती हूँ उसे।
वो मंदिर कब पूरा होगा? वो हमारे प्यार की निशानी है। मंदिर? मंदिर उस दिन पूरा होगा जब हमारा प्यार अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। प्यार मंजिल पर पहुंचेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि शहनाइयां बजेंगी, नक्कारे बजेंगे, राधा के हाथ पर मेहंदी लगेगी, राधा दुल्हन बनकर डोली में बैठेगी, अभी डोली को कार उठाएंगे। अरे राधा, अरे क्या जहाँ क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं चाहती, जरा चिकनी मिट्टी देख रहा था। चिकनी मिट्टी? यहाँ का चिकनी मिट्टी तो नदिया किनारे। तुम ठीक कहती हो चाची, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। अरे साहब, मिठाई तो बहुत अच्छी लाई। तुमने खाई चाची? अरे खाई क्या, जरा सी चखी थी। अब खाने का हाजमा कहाँ रहा? हाँ, हाजमा खराब हो गया चाची। साहब, मेरी चूड़िया तो नहीं लाया होगा? चूड़िया? अरे भूल सकता हूँ चाची कभी। जैकेट क्यों ऐसा फेंक दिया? कुछ नहीं चाची, जरा भीग गई थी, सुखा रहा हूँ। अरे कपड़ों के नीचे क्या है? वो छोटी सी बकरी है चाची, बहुत छोटी सी बकरी। बकरी? हाँ। तुम्हारे घर में तो गाय भैंस इतनी है, ये बकरी कहाँ से उठा लाई? शहर से लिया हूँ चाची, ले चूड़िया, ले चूड़िया। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी चूड़िया है। अच्छी है ना? कितने पैसे? पैसे की क्या बात है चाची, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, कह करके मंगवाई है ना। सर मत लेना, बीमार पड़ोगे तो वैद्य से दवाई ले आना मुफ्त। ये बात ठीक है चाची। अरे सो जा, सो जा, क्या तो कैसी है बकरी? ना ना चाची, तुम्हें खराब हो रही है, भाग जाएगी। अरे भाग जाएगी तो क्या, शेर थोड़ा ही है, बकरी ही तो है। नहीं चाची, चाची भाग जाएगी। अरे 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 जा। गलत रास्ते पर चलते ही तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकती। अब मैं
जब तक तेरा दहन ना हो जाए तुझे घर से बाहर नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, नहीं जाने दो। हरिओम तत्सत, जपा कर जपा कर, महामंत्र है नित, रटा कर रटा कर। जय जय पंडित जी। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। तो महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम सात गांव तो सब कुछ त्रिलोकी नाथ है, हम तो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। महाराज आप हाथ देख सकते हैं? हाथ देखकर बता सकते हैं, माथा देखकर बता सकते हैं, और कुछ न देखकर भी सब कुछ बता सकते हैं। तो फिर बताइए महाराज। बेटा तू शादी के लिए बेचैन है। आपको कैसे पता चल गया? लेकिन बेटा शादी की रेखा तेरे माथे पर डूबती जा रही है। महाराज महाराज ऐसा ना कीजिए, मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। दया कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए, जंतर मंतर जादू टोना जड़ी बूटी। भगवान का नाम लो बेटा, वही बिगड़ी बनाने वाले, हम तो केवल बताने वाले हैं। अरे भाग्यवान वहां खड़ी क्या देख रही थी, वो संतों के सामने आओ। आजा 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 चाची, बहुत बड़ा महात्मा है, आजा। महाराज तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, संत सब कुछ जानते। तुम्हें कन्या के लिए वर की आवश्यकता है ना? महाराज चाची, अरे हट मुझे नहीं। महाराज कुछ मत बोलो भाग्यवान, हम सात गांव की पदयात्रा करते आ रहे हैं, कन्या के लिए वर और वर के लिए कन्या ढूंढना ही हमारा परम कर्तव्य है। मिलाप में ही मुक्ति है भाग्यवान, हम तो तुम्हारे ही घर पधार रहे थे। महाराज मैं भी चलूं, वही मिलाप करवा दीजिएगा। शांति रख बेटा शांति रख, सब समय आने पर हो जाएगा। चलो देवी चलो। हरे राम हरे राम। कहना कहाँ है? आ रही थी। हरे राम हरे राम, ये तुमने कन्या को कैद कर रखा है। तुम ऐसे घर में एक पल भी नहीं रह सकते जहाँ कन्या को कैद रखा जाए। कैद नहीं रखा, वो भूल से कुंडी लग गई थी। भूल से? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आना बेटी, महाराज को प्रणाम सर। आओ आओ बैठ, लाओ जरा तुम्हारा हाथ देखूं। बड़ी भाग्यशाली लड़की, जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बनाएगी। तो महाराज राधा के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए। लड़का बताऊं? हाँ, खड़गपुर गांव में मुरारी नाम का सात बागीचे और छह खेतों का मालिक है। सात बागीचे छह खेत? महाराज आज ही शाम को पति पत्नी वहां पर जाओ और जाकर कहना कि संत स्वतंत्रानंद ने तुमको भेजा है। बड़े कृपा हुई महाराज, लेकिन तो अब क्या करते हैं? हम राधा को कहाँ रखेंगे? अरे राधा को मुखिया के यहाँ छोड़ जाओ ना। मुखिया के यहाँ? नहीं नहीं महाराज, ऐसे बैर है जहाँ बैर और दुश्मनी हो वहाँ संत लोग रिश्ता नहीं करा। नहीं नहीं, हमारा कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वैसे तो मुखिया अपने घर का ही आदमी है। तू दो दिन मुखिया के यहाँ रहना, शाम से बिल्कुल बात नहीं करना, हम दो दिन खड़गपुर होकर आते हैं। चलिए महाराज। नहीं नहीं तुम चलो, हम यजमानों के मोटर में आ जाएंगे, संतों को एक गांव की पदयात्रा भी और करनी है, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। चलो। अच्छा 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 बेटी, हम दो ही दिन में लौट आएंगे, चिंता मत करना रानी बिटिया। अच्छा अच्छा महाराज, तुम मेरे साथ आओ 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 आओ। आओ 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 देवी आओ, क्या बात है देवी, तुम क्यों होने लगी हो लाल पीली? आपको किसने बुलाया था?
बड़े कन्या के लिए वर ढूंढने वाले, मुझे नहीं करनी है शादी। समझा समझा, मन मंदिर में किसी को बसा लिया है, किसी से प्रेम करने लगी हो। चुप रहो, ढूंढी कहीं का। हम जोगी हैं देवी, हमने तेरे दिल की बात जान ली है, जिससे तू प्रेम करती है वो इस वक्त यही कहीं पर है, अगर तुम कहो तो हम उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दें। बड़े आए अंतरियामी, सामने खड़ा कर दे, बगला भगत मक्कार कहीं। संतों का इम्तिहान लेना चाहती हो तो जरा आंखें बंद करो और अभी अपने प्रेमी को अपने सामने पाओगी। चले जाओ यहाँ से, जाता है या नहीं? हमसे जाने के लिए कहती हो देवी? अरे यही समय तो है प्रेम करने का। अरे शाम तुम, शाम के बच्चे। देखा, राधा को पाने के लिए शाम को न जाने कितने कितने भेष बदलने पड़ते हैं। जा, अभी देखता हूँ। कौन हो तुम? डॉक्टर निभा की चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अजीब बात है, मैं रेलू आज से 24 साल पहले मुखिया के साथ एक बीमार बच्चा लेके आया था और डॉक्टर ने कहा था कि ये सेठ जी का है। अरे तो 24 साल पहले आया था, अब यहाँ क्या करने आया है? वो बच्चा तो मर चुका है। अजीब बात है चाचा जी, वो बच्चा जिंदा है। वो बच्चा जिंदा है? अगर वो बच्चा जिंदा है तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अजीब बात है, अगर वो जिंदा है तो मुझे जेल भिजवा देंगे, पुलिस में दे देंगे। हाँ तो फिर वो मर गया, बिल्कुल मर गया चाचा जी, बिल्कुल मर गया। सुन सुन तो सही, मैं भी मर गया चाचा जी। बच्चा जिंदा है। बड़ी मुसीबत है, एक उलझन सुलझाता हूँ तो दूसरी उलझन सामने खड़ी हो जाती है। तो बात क्या है, क्या और रुपए चाहिए? नहीं 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 नहीं, रुपए रुपए की कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा दिल धड़क रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, ना मालूम क्या होने वाला है। आखिर बात क्या है? आसमान फट गया है, पहाड़ टूट पड़ा है, मैंने कहा मुन्ना जिंदा है। क्या कहा? मुन्ना जिंदा है सच? हाँ, ये खुश होने की बात नहीं है। मुन्ना अगर मिल गया तो तुम्हारी हुकूमत हमेशा के लिए चली जाएगी, तुम्हारा राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हुकूमत सदा के लिए कायम रहे, तुम पर किसी तरह की आंच ना आने पाए। मैंने कहा मैंने सब इंतजाम कर लिया है, चलो। ये क्या, जहर? हाँ जहर, इस जहर की दो बूंदे भगवान दास को दे दो मैं इनका, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, एक जुर्म मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अब दूसरा जुर्म मैं हरगिज नहीं कर सकती। समझती क्यों नहीं मैं इनका, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे सिवाय मेरा दुनिया में है कौन? मैं जो कुछ भी सोचता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए सोचता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। आज मेरी खुशी की इम्तिहान है, मेरे दिल की सब मुरादें पूरी हो गई हैं, अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन गई हो। साहब बुलाते हैं। मेनका, मुझे तुमसे जरूरी बात कहना है। मैं रूपा को गोद ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। आप मेरे गले पर छुरी चलाकर मुझसे पूछ रहे हैं कि दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरा हक छीन कर किसी और को देना चाहते हैं, रूपा इस घर में हरगिज नहीं आ सकती। मेनका, मैंने तुम्हें अपना हमदर्द समझकर सलाह ली थी, वरना मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। मैं रूपा को अपनी बेटी बनाऊंगा, भले ही तुम उसे अपनी बेटी समझो या ना समझो। मैं उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझ सकती। अगर मुन्ना भी होता तो शायद तुम उसे भी अपना बेटा ना समझती। मुन्ने की और बात है, वो आपका बेटा है, लेकिन रूपा और आपके दरमियान कोई और ही रिश्ता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए
आप उसे गोद लेने का खेल खेल रहे हैं। सेठ जी के लिए सिर्फ दूध लाया है, फल नहीं लाया। जा फल ला जाके चल। हाँ छोड़ दे, रख दी। चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भविष्य सुधार रहा हूँ। जो हाथ तुम पर उठा है उसे मैं हमेशा के लिए काट देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा आपको कभी नहीं करूँगी। नौकर आ रहा है। अरे ले जा, सब ले जा, सेठ जी को पिला दे जल्दी से। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं ये कभी नहीं देख सकती कोई मेरे पति को जहर दे। बेटिया खामोश, मैं ये शब्द सुनना भी पाप समझती थी। आप मेरी बाप की जगह हैं और आप मेरी मां का संदूर मिटा रहे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मिल गया। मेनका बेटिया क्या हुआ? बार बार तुम्हें तकलीफ देना पड़ती है, जरूरतों ने मजबूर कर दिया मुझे। ये चेकबुक है, मुझे जरा रुपयों की जरूरत है। देखिए चाचा जी, अब आप मुझसे और किसी किस्म की उम्मीद मत रखिए। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए, इतना मत सताइए कि मैं आपकी बेइज्जत हूँ। बेटिया मैंने जो कुछ लिया है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे ना तो वो वापस ही चाहिए और ना और। बेटिया पागल ना बनो, भला सोचो तो सही। मुझ जैसे बाइज्जत रिश्तेदार जो अपनी बहू बेटियों से इस तरह की मामूली ना। खबरदार, जो आपने मुझे इस नाम से पुकारा मुझे आपसे और आपसे ज्यादा आपकी हरकतों से नफरत है, सख्त नफरत है। बेटिया बस बस चले जाइए यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरी नजरों के सामने से मैं आपकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। अच्छा पंडित जी, अपनी तो लुटिया डूब गई। क्यों, क्या हुआ? अजीब बात है, पूछते हो क्या हुआ? अजी ये पूछो क्या नहीं हुआ। राधा श्याम के घर रहने को चली गई, राधे श्याम राधे श्याम। और वो रानी पहलवान की लड़की वो भी परदेश चली गई। हे राम, अब शिकायत करूं तो किससे करूं? चलो अच्छा ही हुआ परदेश चली गई, वो तो तेरे साथ हर वक्त जूते और झाड़ू से ही बात करती थी। पंडित जी वो जूते अच्छे थे, वो झाड़ू अच्छी थी, वो गालियां अच्छी थी। कम से कम राधा को श्याम से मिलने से तो रोकती थी। पंडित जी कोई जादू मंत्र करके उस देवी को वापस बुला लो। आ जाएगी बेटा, सबर कर। अरे सबर क्या खास करूं, इधर सीने पर सांप लौट रहे हैं और उधर वो श्याम के साथ हंसती है नाचती है। निखार है बहार पे बहार है, आजा पसंद है प्यार की हो। फूलों पे निखार है बहार पे बहार है, आजा पसंद है प्यार की। मन में है चाहे तेरी, देखो मेरा है
तुम्हारे मन में सदा प्रेम की ज्योति जलती रहे, तुम्हारे नैन सदा तुम्हारे प्रेमी के हृदय को विच्छेदित करते रहे। लेकिन पंडित जी महाराज, दो दिन बीत चुके हैं, माँ और पापा दोनों वापस आने वाले हैं। घबराओ नहीं देवी, फिर चांदनी रातों में तारों की छांव तले दो प्रेमियों का मधुर मिलन होता रहेगा। लेकिन जब माँ को पता चलेगा पंडित जी ज्योति से तुम ही हो, तो उसके गुस्से की हद नहीं रहेगी, जानते हो? जानता हूँ देवी, जानता हूँ। अरे राम राम, जरूर वो पंडित कोई ढोंगी था, फिर से मिल जाए मुझे तो चमड़ी उधर कर दूंगी उसकी। मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ। तू सारी दुनिया की बात में आ जाती है, सबकी सुनती है पर मेरी कभी नहीं मानती। अरे कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे लिए जान देती हूँ और तुम अपना दुश्मन समझते हो। तू मेरा मतलब नहीं समझती, मैं तो ये चाहती ताकि आंखों के सामने रहे। अरे मगर कोई लड़का तो दिखाई दे। घड़े जितना मोती आंखों के सामने और तुझे दिखाई नहीं देता। कौन है वो? श्याम। श्याम, श्याम रेडी के सिवा दुनिया में कोई लड़का मेरी लड़की के लिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्याम को तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ राधा की माँ। बहुत बरसों पहले की बात है, गीता पर हाथ रखकर कसम खाती, लेकिन आज बेटी के सुख के लिए, राधा के सुख के लिए। अरे ओ राधा, राधा, ओ राधा, तो यहाँ हो तुम? राधा तेरी आजादी के दो दिन खत्म हुए, तेरी माँ और वैद्यराज जी घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, बाप भी आ जाए। मैं शादी नहीं करूंगी, हट, शादी नहीं करेगी। शादी तो लड़के का जीवन होता है बेटी, माँ बाप की तो यही आशा होती कि लड़का हो तो वो कमा कर लाए और लड़की हो तो उसकी शादी हो जाए। नहीं मानी, मैं शादी नहीं करूंगी। पगली, लड़के का नाम सुनेगी तो फूली नहीं समाएगी। हाँ बेटी, मैंने अपनी राधा के लिए श्याम को सुना है। श्याम, कोई दिलचस्पी नहीं रही। आज से हम अपने नए मकान में रहेंगे, जहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। आप चलो, यह है तुम्हारे नए घर का ड्राइंग रूम और यह है बरामदा। बड़ा सुंदर है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो चाहो वही मिलेगा। और सिर्फ इस घंटी को बजाने की देर है, जो चाहोगी हाजिर हो जाएगा। श्याम की माँ, ओ श्याम की माँ,
ले भाग्यवान, रानू पहलवान की बेटी मान गई। क्या मान गई? राधा का शाम से ब्याह। हाँ जाओ शादी की तैयारियां करो। राधा की माँ, अरे ओ राधा की माँ। हाय जी। ये लो देवर, पसंद है? दर्जी को यहाँ जाकर आए? अरे दर्जी बही हलवाई सब यहाँ से होके आ रहा हूँ, शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। कितनी अच्छी लगेंगे मेरी राधा के हाथ में। पंडित जी तुम यही ठहरो और जब मैं बुलाऊं तो आ जाना, समझे? करो श्याम भैया। वह किस्मत बुरी सही, तबीयत बुरी नहीं। एक हारा हुआ खिलाड़ी जीते हुए खिलाड़ी को बधाई देने आया। मुझे तेरी बधाई की जरूरत नहीं। दरअसल बात यह है कि राधा तुमसे प्यार 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 करती है और मैं राधा को सुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन एक भेद है। अगर वो तुझे मालूम हो गया और राधा को मालूम हो गया तो तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लगता है तू कोई नई चाल सोच के आया। चल मैं जानता था कि तुम उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन पंडित जी से झूठ नहीं बोलेंगे। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी बता दो इसको, बता दो। क्या बात है पंडित जी? पंडित जी बता दो इसको कि इसका बाप कौन है। रेलू, रेलू क्या? सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, इसे से क्यों? बता दो। हाँ हाँ पंडित जी, क्या बात है? रेलू क्या बकता है? बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ पंडित जी। बोलते क्यों नहीं? एक भेद है बेटा, हमने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि किसी से न कहेंगे, लेकिन अब मजबूर करते हैं, होने ना। 24 बरस हो गए, एक औरत बीमारी की हालत में बच्चे को गोद में लिए गांव के करीब आकर गिर गई और वो मर गई, और वो बच्चा तुम हो। अगर यकीन न हो तो मुखिया से जाकर के पूछ लो। न तुम्हारे बाप का पता, न तुम्हारे घर का पता, न तुम्हारे साहब का पता। बाबू क्या है बेटा, सच सच बताओ मैं किसका बेटा हूँ। ये तू क्या कहता है? जो रेलू कहता है, जो पंडित कहता है, क्या वो सच है? नहीं 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 बेटा, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, वो झूठ कहते हैं। तू मेरा बेटा है, तू तो हमारा बेटा है। आप लोग मुझे सच सच बता दीजिए, मेरे दिल में प्यार कभी कम नहीं होगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये झूठ है, सब झूठ है। तू हमारा बेटा है, तू हमारा बेटा है। हाँ बेटा, बापू इस पर हाथ रखो, गीता पर हाथ रखो, कसम खाओ सच है झूठ? ये सच है बेटा, ये सच है। क्या मुखिया का बेटा नहीं, किसी रईस का बेटा है। वो बहुत छोड़कर शहर जा रहा है अपने बाप से बचा रहे। मेरी रंगे हाथों की कसम श्याम, गांव छोड़कर न जा, मुझे छोड़कर न जा श्याम। राधा मुझे तेरे हाथों की मेहंदी अपने खून की याद दिला रही है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं कितने सुहाने सपने देख रही हूँ अपने आने वाले जीवन के। पल पल दूंगी, कब तुम दूल्हा बनकर आओगे और मुझे डोली में बिठा कर ले जाओगे? शाम तेरा है राधा, अगर जिंदा रहा तो जरूर वापस लौटाऊंगा, और अगर मर गया। ऐसी बातें मुझे नहीं करो, मुझे तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे चरणों में मेरे प्राण निकले। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे पांव में अपनी बाहों की जंजीर डाल दूंगी। नहीं मैं नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मैंने कब कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारा हूं, मेरा जीवन तुम्हारा है, लेकिन राधा मेरा कर्तव्य तो तुम्हारा ही है। राधा मेरी माँ ने भी तो तेरे ही तेरे हाथों में मेहंदी लगाई होगी, बड़े अरमानों से दुल्हन बनकर ससुराल में आई होगी, फिर बच्चा हुआ,
कितनी तमन्नाएं रही होंगी उस बेचारे के दिल में, लेकिन जालिमों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। घर ही नहीं राधा, संसार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुझे तेरे प्यार की कसम है राधा, राधा तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरे प्यार की कसम है राधा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ, न जाने शाम गुस्से में कुछ कर बैठे। हाँ जल्दी से जाओ और उसे मना के ले आओ। फरमाइए रानी साहबा, क्या हुक्म? ये क्या मजाक है, सब नौकर चाकर कहाँ हैं? बस अब तो एक ही नौकर है जिसने जिंदगी भर सेवा करने की कसम खाई। फरमाइए। मुझे सब प्यास लगी है। अभी लाया? हाँ, पानी के साथ साथ नाश्ता भी हाजिर किया जाए। दीजिए। ये क्या? सीधे मोती, चांदी, सोना, जवाहरात, सभी तो आपकी मनपसंद की चीजें हैं। लेकिन मुझे तो प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। भूख तो कभी मिटती नहीं और प्यास कभी पुछती नहीं। क्या मतलब? मैं तो सब कुछ वही दे रहा हूँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, घर की इज्जत, मान मर्यादा, यहाँ तक के पति के जीवन से भी ज्यादा प्यारा है। जो आप किस बात का बदला ले रहे हैं? मैं तो पति का फर्ज अदा कर रहा हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा। तुम्हें प्यारा है रुपया, दौलत, सोना चांदी, अब तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लो, उठाओ, उठाओ। नहीं, मुझे प्यास लगी है। प्यास? मुझे प्यास लगी है। अगर तुम मुझे पानी नहीं देते तो मैं फुवारे का पानी पी लूंगी। ठहरो, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें इसी चार दीवारी में रहना होगा। माधव, तुम्हारा सेठ कहाँ है? वो नए घर में रहते। नया घर? नया घर कौन सा? आप देखिए, मैं रूपा देवी को फोन करता हूँ, वो ले जाएंगे आपको नए घर में। कौन हो तुम? मैं शाम का बाप हूँ, मेरा बेटा। शाम? कौन शाम? सेठ भगवान दास का लड़का, उसे इस बात का पता चल गया है। घर पे बाप से बदला लेने के लिए निकला है, उससे हमें जाने क्या कर बैठे। मेहरबानी करके मुझे सेठ भगवान दास का पता बता दी। देखो माधव, शाम को तुम कहीं जाने नहीं देना, मैं अभी आई। आप देखिए, अभी रूपा भी आ जाएंगी। अब मेरी खासी रूपा दी भी आ गई। आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाता हूँ। आओ बेटा, चलो घर चलो। देखो भाई, तुम्हें शेर जी से मिलना है ना। जी, चलो आप बैठ जाओ। शाम आओ। ये तुमने कहाँ ले आए? मैं तो सेठ भगवान दास जी से मिला। हाँ हाँ, मैं सेठ भगवान दास जी से मिलवा दूंगा तुम्हें। देखो बच्चा है, बेकार की जल्दी कर रहा है। देखो बड़े मियाँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। देखो किस्सा यूँ है, देखो ऐ सुनो, ऐसा करेंगे। रूपा देवी, शाम को तो बाकी लाल जी ले गए। उन्होंने कहा सेठ जी क्या ले सकता हूँ। सेठ जी जी, लेकिन सेठ जी के मेरे मकान का तो पता ही नहीं। आओ मधु, मेरे साथ चलो। चलो चलो सारा, जल्दी चलो। Thank you.
हूँ।